कंगना रनौत उन अदाकाराओं में से एक हैं जो अपनी फिल्म की चर्चाओं से ज्यादा विवादों में घिरी रहती हैं। साल 2021 में भी कंगना के लिए विवादों से भरा रहा। कभी उनके बीएमसी के साथ पंगे चल रहे थे तो कभी उनका ट्विटर विवाद हुआ। अपने बयानों को लेकर भी वो खूब ट्रोल हुई। ऐसे में अब कंगना चाहती हैं कि उनका नया साल बेहद अच्छा और शांति से भरपूर हो। इसके अलावा कंगना इस साल अपनी जिंदगी में प्यार की बरसात होते देखना चाहती हैं। कंगना की इच्छा है कि इस साल कोई उन्हें भी ढेर सारे लव लेटर्स दे, इसलिए उन्होंने साल की शुरुआत मंदिर जाकर की है। लेकिन कंगना का मंदिर जाना भी अब खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसकी वजह ये है कि कंगना ने कोई आम मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा मंदिर चुना है जो बेहद दुर्लभ है और जिसके बारे में हर किसी को जानकारी नहीं। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल एनन बॉलीवुड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। दरअसल कंगना पिछले साल विवादों में FIR और पुलिस कंप्लेंट्स के खूब लपेटे में आई थी, लेकिन इस नए साल की शुरुआत वो बेहतर तौर पर करना चाहती हैं। कंगना को उनकी लाइफ में अब बस प्यार की ही तलाश है। कंगना की इच्छा है बस अब कोई उन्हें भी प्यार भरी चिट्ठियां भेजे। इसलिए विवादों से बचने और प्यार पाने के लिए उन्होंने राहु केतु का सहारा लिया है। दुनिया भर में इकलौते राहु केतु के मंदिर में कंगना दर्शन करने पहुंची। कंगना ने खुद मंदिर में दर्शन करते हुए अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कंगना ने क्रीम कलर की साड़ी पहनी है और माथे पर तिलक लगाया हुआ है। कंगना पूजा में तल्लीन नजर आ रही हैं। फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, दुनिया में सिर्फ एक ही राहु केतु मंदिर है, ये तिरुपति बालाजी के बहुत करीब है, वहाँ कुछ अनुष्ठान किया। 5 मौलिक लिंगों में से ये वायु लिंडा भी यहीं स्थित है। काफी अद्भुत जगह है। मैं वहाँ अपने प्यारे दुश्मनों के प्रति कृपा के लिए गई थी। इस साल में कम पुलिस कंप्लेंट्स और FIR और ज्यादा लव लेटर्स चाहती हूँ। जय राहु केतु जी की। बता दें कि कंगना पिछले साल तब सबसे ज्यादा विवादों में पड़ गई थी जब उन्होंने कहा था कि देश को 1947 में जो आजादी मिली वो भीख से मिली है। असली आजादी तो तब मिली जब नरेंद्र मोदी 2014 में PM बने। वहीं अगर बात उनकी लव लाइफ की करें तो कंगना फिलहाल सिंगल हैं। हालांकि कुछ वक्त पहले तक कंगना के कई बड़े स्टार्स के साथ रिलेशनशिप में होने की खबरें सामने आती रही हैं। वो बात अलग है कि इन खबरों को कंगना ने हमेशा सिरे से नकारा ही है। गौरतलब है कि जहां इंडस्ट्री की सभी लीडिंग लेडीज एक एक कर शादी के बंधन में बंध रही हैं, वहीं अब ये देखना होगा कि कंगना की जिंदगी में उनके स्पेशल वन की एंट्री कब होती है और कब वो फेरे लेती हैं। कंगना के वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत इस साल तेजस और धाकड़ नाम की फिल्मों में नजर आएंगी। इसके अलावा वो देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की बायोपिक में इंदिरा गांधी का रोल करती भी दिखाई देंगी। इतना ही नहीं, कंगना अपने प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म टीकू वेड्स शेरू को लेकर भी बिजी चल रही हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।